Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another beautiful day, another beautiful vlog. So, जी आज का vlog title से तो आपको पता चल गया होगा कि आज के दिन में जो है मेरी birthday आज तो नहीं है, कल होगी. So, आज मैंने अपने लिए खुद मतलब हर birthday पे जो है ना मैं खुद के लिए कुछ special करती हूँ, like खुद को कुछ ना कुछ gift करती हूँ. तो आज मैंने अब खुद के लिए जो है ना हेयर कट कराया है. सो इट्स माई न्यू हेयर कट. सो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ जो है ना वो मुझसे कटवाने का हौसला नहीं होता कभी भी. तो यू नो जब इतनी मेहनत से बाल लंबे किए होते हैं सो फिर जो है ना थोड़ी थोड़ी कटवाते हो. ये जो बर्थडे है मेरे इन लॉज में फर्स्ट टाइम है. ऑफकोर्स आई मिस माई हस्बैंड, वो यहाँ नहीं है इस वक्त, बट इट्स ओके. वो हर वक्त मेरे साथ ही है, अब पैदल भी नहीं है, बट हम इन टच रहते हैं, हम लोगों की बातचीत होती रहती है. अच्छा एक अनोइंग क्वेश्चन जो सब मुझसे पूछते हैं अक्सर लोग, सब तो नहीं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं असित से बात हुई, एंड आई वाज लाइक यार मैं उससे बात नहीं करूँगी तो मैं किससे बात करूँगी. ठीक है आई नो लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट ईजी, बट यार हम इन टच रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हमारी लाइफ भी बाकी कपल्स की तरह अच्छी है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में खूबसूरत चीज़ें होती हैं, मतलब आप एक दूसरे की कदर ज़्यादा बढ़ जाती है मुझे ऐसा लग रहा है. सो अच्छा जी, इस बर्थडे पर जो है ना मैं खुद को तो कुछ ना कुछ गिफ्ट करती ही हूँ, बट इस बारी मैं अपने घर के लिए काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ जिन्हें अभी सेट करना बाकी है. सो देखते हैं आज के दिन में हम सेट कर पाएंगे या नहीं. सो आपको चल के दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ. इस वक्त मेरे ड्राइंग रूम का हाल कुछ इस तरह का है, हर चीज़ मेरी बिखरी पड़ी है. ये वो सामान है, ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई है. इसमें ये कुछ बॉक्सेस हैं और ये बैग है जो मैं अम्मा की तरफ से ले आई थी, और ये जो है ना सारे फ्रेम्स हैं, कुछ सेट होने वाले हैं और कुछ बाकी हैं, और ये मेरी ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी पेंटिंग, और ये जो आप पीछे बैग पे देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरी ही लगी हुई हैं, मेरे हाथ की बनी हुई. जैसे वो टेपेस्ट्री है वो धागे से बनी होती है ऑलमोस्ट पूरी, और बाकी जो है ये टेबल भरा हुआ है, ये टेबल रनर है जो कि मैंने बनाया था इजिप्शियन थीम पे. सो इसको भी सेट वेट करना बाकी है, और ये टेबल नीचे से भी सारा भरा हुआ है, और ये रग है एक, इसको बस मैंने ऐसे ही ला के ना रख दिया. तो अभी इन सारी चीज़ों की सेटिंग्स करना बाकी है. और ये रहा लैंप जो मैं एक नया लेके आई हूँ, यहाँ इस साइड पर बिल्कुल भी जो है ना लाइट नहीं है ज़्यादा. और ये रहा सबसे खूबसूरत प्लांटर जो कि अभी पैक है. सो अभी इसको सेट वेट करते हैं. इसके फूलों का कलर मुझे बहुत पसंद है, येलो कलर ज़रा फ्रेशनेस है, और ये ज़रा ऑफ वाइट टोन में मैंने लिए हैं. सो अभी जो है ना यहाँ पे सब सेटिंग वेटिंग करेंगे हम. 12 o'clock midnight. ये क्या इतना करते ये लो, वो तो बनता है ये नहीं. मैं तो नीले क्या दियो, ये माइक्रो से छोटा था. बैकग्राउंड फंस गया, फंस गया. ब्यूटीफुल. रेडी लेट्स गो. हैप्पी बर्थडे वेलकम बैक टू माई ब्लॉग. सो टुडे इज़ माई बर्थडे एंड मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ इसके लिए, और अभी घर पे ही हमने कुछ ऑर्डर कर दिया है. एंड नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं. क्या ये किसके लिए असित की तरफ से है. ये बुक कैसे की तरफ से? जी आपने भेजा. थैंक यू सो मच. बहुत प्यारा. ये किसकी तरफ से? ये भी असित की तरफ से. मैं मेरा इतनी सारी चॉकलेट्स और स्नैक्स. थैंक यू सो मच. आंटी मेरे क्लैपिंग कर रही है. दोबारा केक निकालो.
चलिए जी गाइस, आई एम बैक टू माय रूम और बहुत अच्छा दिन स्पेंड हो गया. बहुत मेमोरेबल ये बर्थडे रहेगी मेरे लिए हमेशा ही, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही पहली बर्थडे है. ऑफकोर्स आई मिस हिम. और जबकि मुझे पता चला कि वो आने वाले थे और वो एक टोटली सरप्राइज होने वाला था मेरे लिए, बट किसी वजह से वो नहीं आ पाए. सो ये वजह तो मुझे नहीं पता, किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं. और अभी जो उन्होंने मुझे बुके दिया है इब्राहिम के थ्रू बनवाया और फिर इतनी सारी चीज़ें उसमें लगा के और मुझे भेजा, अभी ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. एंड मेरे इन-लॉज ने जो बर्थडे इतनी स्पेशल बनाई है मेरे लिए सरप्राइज करके, सो ये बहुत एक नई चीज़ थी मेरे लिए. सरप्राइजिंग वाली बर्थडे जो थी ना वो फर्स्ट टाइम ही थी. सो गिफ्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले तो ये मिनी कैंडल जो कि मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती है, अक्सर मैं जला लेती हूँ. एंड ये चीज़ें जो हैं ये सारी असद की तरफ से हैं. और ये प्यारा सा बुके जिसकी चॉकलेट्स गिरती जा रही हैं, ये भी मेरे मियाँ जी की तरफ से है. एंड ये बहुत ही प्यारी सी वॉच, इसमें वॉच है और इसका डब्बा काफ़ी टाइट है. तो इसमें बहुत प्रिटी सी वॉच है जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी है और ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है. इसकी कमी थी मेरे पास और ये बहुत खूबसूरत है, सो प्रीशियस. तो इसको जो है ना मैं पहनूंगी ज़रूर जल्दी. एंड दिस वन इज़ सेकंड गिफ्ट जो कि मैं ख़ुद अभी देख रही हूँ. ओह सो ब्यूटीफुल. ये है जी सफ़ायर की शर्ट जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दी है और ये बहुत खूबसूरत है. इसका कलर बहुत प्यारा है एंड स्टफ़ भी बहुत प्यारा है, सो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी. थैंक यू. एंड उन सब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे विश किया, जिन्होंने मेरी बर्थडे स्पेशल बनाई. और बहुत सारी कमेंट्स का, बहुत सारे मैसेजेस का मैं अभी भी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, सो इसलिए मैं वीडियो में ही थैंक यू बोल रही हूँ. बट इस व्लॉग को हम यहाँ एंड नहीं करेंगे, ये व्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि अभी मेरी फैमिली का आना बाकी है यहाँ पर. सो उनके आने के लिए मुझे कुछ तैयारियाँ करनी है, वो भी आप इस व्लॉग में देखेंगे. Day 2. Welcome back to my vlog and it's a day 2. So आज आ रहे हैं मेरे घर वाले. सो अभी बहुत सारी तैयारियाँ जो हैं वो मैंने कर ली हैं और कुछ तैयारियाँ करना बाकी हैं. सो आज मैंने की है बहुत सारी कुकिंग, जिसकी बनाई है बिरयानी एंड अभी जिसकी तह लगाना बाकी है, सो वो मैं आपको दिखाती हूँ. और साथ में आज बनाया है मैंने अचार गोश्त एंड ड्रम स्टिक्स बनाई है. सो अभी चलते हैं नीचे और करते हैं बाकी के सारे काम और देखते हैं कि घर वालों को कितना टाइम है आने में और आज मेरे लिए क्या आता है ये भी देखते हैं. सो लेट्स गो. ये क्या लेके आ गई हो इतना ज़्यादा? भाई मेरी शिवरात आई है भाई, आजा आजा आजा. किसको ढूंढ रहे हो? असद भाई नहीं है. 3 days later. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another beautiful day, another beautiful vlog. And welcome vlog है बर्थडे वाला जिसे मैं कंटिन्यू करना जो है ना बिल्कुल ही भूल गई थी, और क्योंकि बहुत बिजी डेज जा रहे थे मेरे. एंड इतना अच्छा बर्थडे होगा, इतने मज़े मज़े के सरप्राइजेस मिलेंगे मुझे, सो ये मैंने नहीं सोचा. आज जो है ना मैं अपनी अम्मा की तरफ जा रही हूँ. एंड सबने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया ये सवाल पूछ पूछ के, असद ने आपको क्या गिफ्ट किया, असद ने आपको क्या गिफ्ट किया. भाई मुझे एक बुके जो आपने वीडियो में पहले देखा है वो असद की तरफ से ही था. बुके थे, चॉकलेट्स थी बहुत सारी और मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे पता चलता है कि असद जो है वो खुद आ रहे थे पाकिस्तान एंड किसी वजह से वो आ नहीं पाए. लेकिन काफ़ी दिनों से कुछ खिचड़ी पकड़ी थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और वो खिचड़ी ये थी कि मेरा पासपोर्ट जो है वो आ नहीं रहा था, और जिसके लिए हम परेशान थे काफ़ी डेज हो गए हमने दिया, वो आ ही नहीं रहा था. कुछ पाकिस्तान में इलेक्शंस वाले इशू थे इस वजह से, और थैंक गॉड अभी वो आ गया है. और असद की तरफ से एक और सरप्राइज़ है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा. लेकिन अभी हम जा रहे हैं अम्मा की तरफ और एक ट्रिप जो है वो होने वाला है नेक्स्ट. अब वो कहाँ का है, उसके बारे में क्या डिटेल्स है वो आपको बाद में बताएंगे हम. और ये अभी ड्राइव वाला पेट्रोल फिल कराने के लिए रुक गया और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा की तरफ एज यू नो. और वहाँ पे जाके भी जो है मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है. और सो जी वेलकम बैक टू माई ब्लॉग. सो जी गाइस आज है साहब मेरे साथ और हम जो है ना सिटी पे जा रहे हैं.
कुछ शॉपिंग करने, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है एज यू नो। सो अभी जो है ना मैं और साहब जा रहे हैं फोटोज। चलिए गाइस अभी हम पहुँच गए हैं कैंट में, पहुँच गए हैं कैंट, एंटर कर चुके हैं हम। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, ओह माय गॉड, पहली दफ़ा मैं इतनी ट्रैफिक में लेके निकली हूँ, ऊपर से एक बशिंदा अपने साथ लेके निकली हूँ। चलो भाई बशिंदे अब तुम ब्लॉग। फाइनली हम फोर्ट्रेस पहुँच गए और अपने हमने जो है ना अपनी पार्किंग में पहली दफ़ा अपनी स्कूटी लगा दी है और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आ जाओ इधर आ जाओ। सबसे मुश्किल काम लग रहा था मुझे ये। सबसे पहले हम जा रहे हैं शाहपोश में, यहाँ पे देखते हैं कोई ड्रेस हमें अच्छा लगेगा, देन फिर हम बाय कर लेंगे। गाइस अभी मैं आई हूँ एलिगेंस पे और मैंने एक ड्रेस ले लिया है। देखते हैं अपनी नेक्स्ट शॉपिंग की तरफ, बाकी हम क्या लेते हैं ये अब डिसाइड करते हैं। और बाकी उनके पास ड्रेसेस जो है मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइस अभी मैं आई हूँ स्टाइलो पे। गाइस अभी मैं आ गई हूँ स्क्वायर मॉल में और यहाँ पर विजिट करते हैं और एक दो सैंडल्स देखते हैं। अभी जो है ना मैंने साहब को दे दिए ये, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या आना चाहिए। और शॉपिंग मॉल में सफारी हो गई है, अभी हम जा रहे हैं कारपोर्ट पार्किंग में लगा देना, वो ऊपर जाएंगे साइड से और हम इधर से एंटर करेंगे। चलिए जी गाइस अब अंदर जाके मिलते हैं आपको। चलिए जी गाइस अभी हम कारपोर्ट आ चुके हैं और मुझे इनका ये सेक्शन बड़ा पसंद है जहाँ पर बेकरी वेकरीज है और लाइव किचन है इनका। सो अब हम जो है ना यहीं से कुछ ना कुछ खाएँगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। यहाँ फ्रेश बिरयानी भी है और यहाँ पर क्या खाना है भाई जल्दी जल्दी से बता दो। चीज़ पाए लेते हैं। हम यहाँ कारपोर के कैफे में बैठ चुके हैं और हमने लिया है चीज़ पाए जो कि मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, फ्रेश होता है, और साथ में बिरयानी। तो अभी जो है खाने के बाद मिलते हैं। आई थिंक गाइस वी आर बैक टू होम और अभी ये सब हम बाइक निकालेगा, आई मीन स्कूटी निकालेगा, देन अभी हम घर जाएंगे, वहाँ पे कुछ गेस्ट आए हैं उनसे मिलते हैं और जो है ना फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या प्लान होता है। कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है और पैकिंग जो है वो स्टार्ट करने लगे हम। एक सूटकेस मेरा वो पड़ा हुआ है और चलिए जी पैकिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। जी गाइस ऑलमोस्ट पैकिंग जो है वो डन हो चुकी है, बस इन्हें एंड करना बाकी है। जी गाइस आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत मज़े के, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। सो आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। सो मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।